हिमाचल प्रदेश में सैलानी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ने लगे हैं। प्रशासन की तरफ से भी लगातार सैलानियों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सैलानी कोविड 19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाहरी प्रदेश से आए सैलानी पहाड़ों पर आकर कोविड नियमों को लेकर कोविड प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था बनाने में लगी हिमाचल पुलिस के साथ झगड़ा करते भी नजर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने में करीब जो वाइल्ड लाइफ क्राइम में हमने 7 लेपर्ड्स की खाले पकड़ी है, 7 के साथ हमने काफी वाइल्ड लाइफ पकड़ा है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ, और सेम है इलीगल माइनिंग पे भी हम शिकंजा कस रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे बड़ी संतुष्टि है कि पिछले 1 साल में अच्छा काम हुआ है। देखिए, ये निवेदन तो हमने सरकार को किया है कि साइबर क्राइम इज द क्राइम ऑफ द फ्यूचर। धीरे धीरे साइबर स्पेस में क्राइम बढ़ता जा रहा है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि कंप्लेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं, एफआईआर भी बढ़ती जा रही हैं, और भारत का जो ट्रेंड है वो 80% जो साइबर केसेस होते हैं फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के, और 20% होते हैं ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट के। हिमाचल में उल्टा है, हिमाचल में 80% है ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट और 20% फ्रॉड के। हम ये सारे जो कंप्लेंट्स हैं इसको एड्रेस कर रहे हैं, और हमने लाखों रुपए लोगों का वापस करवाया। हम मानते हैं कि दिस इज द क्राइम ऑफ द फ्यूचर। हमने सरकार को लिखा है कि एक थाने से अभी काम नहीं बन रहा क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट रेंज लेवल पे अभी कर दीजिए, एक मंडी में, एक धर्मशाला में, और धीरे धीरे करके अल्टीमेटली हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइबर क्राइम का जो आकार है बढ़ता जा रहा है। स्पेन से क्रॉस करते हैं, जिब्राल्टर क्रॉस करते हैं, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आते हैं, पूरा अफ्रीका क्रॉस करते हैं। हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं बाकी में हाइपर लोकल तो हो, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव कहीं नहीं हम छोड़े, फ्लैट हो गया है आज में।